सिद्धेभ्यः ओङ्कारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञान मती मता द्वादांग मई जिनवाणी माता की जय रत्नकरण शावकाचार की क्लास प्रारंभ हो रही है और उसमें आप सबको रत्नों का करंडक अर्थात पिटारा लेकर के जो आचार्य श्री समन्तभद्र स्वामी ने रत्नकरण श्रावकाचार नाम के ग्रंथ के अंदर श्रावक श्राविकाओं के आचार को आचरण को चारित्र को चर्या को क्रिया को प्रतिपादित किया है उसी की ओर मैं आपको ले चलती हूँ चलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय नमः श्री वर्धमानाय निर्धत कलीलात्मने शोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते लोक और अलोक सभी को अपने ज्ञान रूपी दर्पण में झलकाने वाले जानने वाले ऐसे अंतिम शासनायक भगवान महावीर को नमन करके श्री समन्तभद्र स्वामी ने आगे के दो श्लोकों में धर्म के स्वरूप को कहा और ये बताया कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीनों की एकता में धर्म साकार होता है और धर्म एक धारण करने की वस्तु है ऐसे धर्म को बताने के लिए आचार्य श्री ने अपना उद्देश्य बनाया है और ये कहा कि असली धर्म वही है जो प्राणियों को संसार के दुख से छुटा करके और उत्तम सुख में पहुंचा दे वह धर्म है उस समीचीन धर्म को मैं कहने वाला हूँ हम चलते हैं क्रम प्राप्त आगे चतुर्थ श्लोक के अंदर श्रद्धानं परमार्थान माप्ता गपोव्रताम त्रिमूढ़ापोढ़ांगम सम्यक दर्शनमस्मय दर्शन परमात जो आप और आगम और गण होते हैं इनकी श्रद्धा सम्यक दर्शन ये भविका मल धोते हैं मद आठ आठ शंकादि तीन मूढ़त्व अनायत अष्टांग सहित सम्यक दर्शन ही शिव प्रद है यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र इन तीनों को धर्म और मोक्ष का मार्ग कहा तो उसमें सर्वप्रथम सम्यक दर्शन का नंबर आता है तो इस श्लोक के अंदर आचार्य देव सम्यक दर्शन का लक्षण सम्यक दर्शन का स्वरूप सम्यक दर्शन की परिभाषा बताते हुए कह रहे हैं कि श्रद्धानम श्रद्धान करना केसाम श्रद्धानम किन का श्रद्धान करना परमार्थ परमार्थभूत जो पदार्थ हैं क्या है आप्तागम तपोव्रताम आप्त आगम और तपोव्रत माने तपस्या करने वाले निर्ग्रंथ गुरु अर्थात आप्त माने ईश्वर आगम माने शास्त्र और तपोव्रत माने गुरु इन तीनों पर श्रद्धानम इनका श्रद्धान करना कैसा श्रद्धान करना अष्टांगम आठ अंगों से सहित हो शरीर में भी आठ अंग होते हैं तब शरीर सुचारू रूप से चलता है और सम्यक दर्शन के भी आठ अंग बताए कि इन आठों अंगों का जो परिपालन करता है आठों अंगों से समन्वित सम्यक दर्शन को जो धारण करता है तो वही सच्चा सम्यक दृष्टि कहलाता है तो यहाँ सम्यक दर्शन की परिभाषा बताते हुए कहा कि आठ अंगों से सहित सम्यक दर्शन जिसका हमें आप्तागम पदार्था नाम श्रद्धानम कहा आप्तागम और गुरु पर जो श्रद्धा है वो कैसा हो आठ अंगों से सहित हो पूरा निर्दोष हो और क्या है कि अस्मयम यानी आठ प्रकार के ही मद होते हैं अस्मय माने मद घमंड अहंकार ये आठ प्रकार के होते हैं तो आठ प्रकार के अंगों से सहित आठ प्रकार के मदों से रहित मद जो है सम्यक दर्शन को मलिन करते हैं अहंकार से युक्त कोई भी क्रिया कार्यकारी नहीं होती इसलिए आठ अंगों को तो धारण करना अष्ट अंगों से युक्त सम्यक दर्शन होना चाहिए और आठ प्रकार के मदों से रहित आठ प्रकार के अहंकार से रहित होना चाहिए ऐसा जो श्रद्धानम श्रद्धान करना है सम्यक दर्शनम उच्चते ऐसे श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं यानी कि इसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है जिसने जिस सच्चे श्रद्धान को किया उसको वह श्रद्धान सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण बन गया तो इसकी टीका भी करते हुए आचार्य श्री प्रभाचंद्र स्वामी ने कहा कि इसके अंदर शंका हो सकती है कि जैसे कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम उमा स्वामी आचार्य ने सम्यक दर्शन का क्या लक्षण बताया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तत्व और पदार्थों का श्रद्धान करना यानी क्षय द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ पांच अस्ति काय इनका श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है तो यहाँ पर आप्तागम तो श्रद्धानम कह दिया आप्त आगम और तपोभ्रत गुरुओं पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन बता दिया तो ऐसा क्यों बताया है तो उसमें शंका का समाधान किया अबाधितार्थ प्रतिपादक आप वचनम ही आगम यानी कि अबाधित धर्म का कथन करने वाला जो आप्त का आप्त माने ईश्वर ईश्वर माने जो वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं ऐसे तीन विशेषणों से सहित जो अरहंत भगवान हैं वही सच्चे आप्त होते हैं उन्हें भगवान कह लीजिए ईश्वर कह लीजिए सर्वज्ञ कह लीजिए आप्त कह लीजिए ये सब एक दूसरे के सिनोनिम वर्ण है पर्यायवाची शब्द हैं तो आबादी अर्थ का कथन करने वाले जो आप के वचन हैं वही समझो आगम हुआ आगम का ये लक्षण जो है शास्त्रकारों ने जो स्वीकृत किया है इसलिए आगम के श्रद्धान में छह धर्म आदि का श्रद्धान जो है संग्रहित हो जाता है गर्भित हो जाता है भाई आगम क्या है जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कही गई वाणी है वही शास्त्र है वही आगम है वही जिनागम है वही सिद्धांत है वही जिनवाणी है और कोई अलग और कुछ नहीं है तो उसी के अंदर छह तत्व नौ पदार्थ आगम के अंदर सब कुछ गर्वित हो जाते हैं इसलिए अपने को एक ही अर्थ समझना है कि हमारे आचार्य समन्त भद्र स्वामी स्वामी ने आप तागम तपोव्रताम कह दिया और तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये भी ठीक ही है उसी में घटित होता है और कहीं कहा गया देवशास्त्र गुरु का के वचनों पर श्रद्धान करना देवशास्त्र गुरु पर विश्वास रखना यह भी सम्यक दर्शन है तो ये सारे कथन एक दूसरे के पूरक हैं इनमें से किसी भी कथन में किसी कथन का विरोध नहीं आता है ये अपने को जानना है क्योंकि जैन आगम प्रथमानयोग कर्णानयोग चरणानयोग और द्रव्यन्योग इन चार अनुयोग रूप से निबद्ध है अब चारों अनुयोगों में क्या प्रथमान में तो कथानक आते हैं महापुरुषों के कर्णानयोग के अंदर जो है आम, करणान योग के अंदर आत्म परिणामों की तीन लोक आदि का वर्णन होता है तब जानते हैं कि हम कहाँ किस जगह हमारी अवस्थिति है स्थिति है चरणान योग आचरण प्रधान क्रियाओं को चरणान योग कहता है और द्रव्यान योग में क्या है कि आत्म आत्मचिंतन का कथन प्रधानता से किया जाता है यही कारण है कि सम्यक दर्शन का स्वरूप भी भिन्न भिन्न आगम के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप से कह दिया जाता है चरणां की प्रधानता में कह दिया कि आपता गम तपोव्रताम ईश्वर भगवान और जिनवाणी और गुरुओं के ऊपर श्रद्धान करना यही सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन को निर्दोष रखने के लिए तीन मूढ़ता और आठ मदों से रहित होना चाहिए और उसको सम्यक दर्शन को परिपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए आठ अंगों का पालन करना चाहिए इनको आगे चल करके इनकी अलग अलग व्याख्याएं भी की जाती हैं हमें यहाँ यही मानना है यही जानना है कि सच्चे आप्त आगम और मुनि इनकी श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है ये भव्यों का भवमल धोने वाले हैं और आठ मद शंकादिक आठ दोष तीन मूर्ता और छह अनायतन इन पच्चीस दोषों से रहित और आठ अंग से सहित सम्यक दर्शन ही मोक्ष को प्रदान करने वाला है सब लोग जानते हैं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है सम्यक दर्शन तीनों चीजों में सबसे पहले सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक शब्द लगाया है इसका मतलब है कि ये आदि दीपक न्याय है पहले दर्शन में सम्यक शब्द लगा दिया तो सम्यक दर्शन तो वह ज्ञान के साथ भी लग जाएगा और वह चारित्र के साथ भी लग जाएगा इसको कहते हैं आदि दीपक न्याय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है धर्म है और ये सम्यक दर्शन का लक्षण अपन ने जाना है जो सम्यक दृष्टि व्यक्ति है वो कभी भी मिथ्यात्व की ओर नहीं बढ़ता है कुरीतियों की तरफ नहीं बढ़ता है क्योंकि पिछली गाथा में श्लोक में आपने जान लिया यदि अप्रत्यनिकानी भवंती भव पद्धति अर्थात यदि सम्यक दर, ज्ञान दर्शन ज्ञान और चारित्र ये सम्यक से उल्टे हो जाते हैं यानी मिथ्यात् रूप हो जाते हैं तो संसार की संतति को बढ़ाने वाले हो जाते हैं छोटी सी कथा के माध्यम से आप जानिएगा कि एक राजा को जो मिथिला नगरी के पद्मरथ राजा थे ये काल की कथा है और उनको एक मुनिराज के पास जाकर के सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है अर्थात वे सम्यक को धारण करके पंच अणुव्रतों को धारण कर लेते हैं पुनः मुनिराज को बारंबार नमस्कार करते हुए कहते हैं कि भगवान हे संसार के आधार आप कहिए कि जिन धर्म रूपी समुद्र को वृद्धिंगत करने वाले आपके समान गुणशाली चंद्रमा और सूर्य कोई और भी हैं या आप ही हैं यानी कि सर्वस्व अपना समर्पित कर देने वाले उस राजा ने कहा कि भगवान आप तो हमारे लिए भगवान हैं ही और इसके अतिरिक्त और भी कोई हैं क्या तब मुनिराज कहते हैं कि राजन हैं और वे मेरे भी गुरु हैं जगत गुरु तीर्थंकर हैं बारह में तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य हैं चंपा नगरी में इस समय वे संसारी प्राणियों के हृदय के गहन मिथ्यात्व अंधकार को दूर करने के लिए समो शरण के अंदर विराजमान होकर के और सब सबको सम्यक ज्ञान का उपदेश देते हैं उनके सामने तो हम तो राई के समान हैं वे पर्वत हैं तो हम राई हैं अब इतनी प्रशंसा सुन करके के राजा के मन में भावना होती है कि मैं जा के उन वासुपूज भगवान के शरण का दर्शन करूं और वे रथ में बैठ करके अपने सैनिकों को लेकर के चल देते हैं इतने में क्या होता है कि स्वर्ग में दो देवताओं के अंदर चर्चा चलती है कि चलो स्वर्ग में देवताओं के पास कोई काम तो होता नहीं वे अपना भगवान की वंदना करते हैं इधर उधर क्रीड़ा करते हैं तो उनके मन के अंदर आया कि चलो मध्य लोक में परीक्षा करते हैं तो एक देवता ने कहा कि जिसने अभी अभी सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है हम उस राजा की परीक्षा करने चलते हैं कि उसका सम्यक दर्शन कितना दृढ़ है जैसे ही राजा चलते हैं तो दोनों देवता आकर के सबसे पहले उनके परीक्षा करने के लिए राजा के रथ के सामने एक काले काले सर्प को प्रकट कर देते हैं काला भुजंग देख करके एकदम से मंत्रियों ने कहा कि राजन काले नाग को देखना तो बड़ा अपशकुन है आप एक शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं यह अपशकुन हो गया तो राजा ने कहा कि आप क्या करें मुझे तो भगवान के दर्शन करने ज़रूर जाना है थोड़ा और आगे चलते हैं सर्प को हटा करके तो फिर उन देवताओं ने क्या किया अपनी दिव्य शक्ति से राजा के छत्र को भंग कर दिया भंग कर दिया मतलब एकदम ऐजा उड़ा दिया राजा का छत्र गिर करके जा के दूर निकल करके गिर जाता है तो मंत्रियों ने और भी कहा कि राजन ये कुछ अच्छा नहीं मुहूर्त लग रहा और फिर थोड़ा आगे बढ़े तो आगे बहुत भयंकर अग्नि देखी एकदम आग लग गई है रास्ते में जंगल के अंदर तो बड़ा विकल्प मन के अंदर रहा जैसे और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो प्रचंड हवा तूफान से जहाँ पर्वत और पत्थरों का गिरना एकदम शुरू हो गया ऐसा एकदम तूफान उन देवताओं ने चला दिया और असमय से ही खूब जल वर्षा कर दी और राजा के रथ के पहिए जो है कीचड़ में एकदम धस गए अब मंत्रियों को एक पॉइंट और मिल गया बोले राजन चलो ये समय ठीक नहीं है हम वापस चलते हैं फिर समय अच्छा मुहूर्त देख करके और भगवान के समोसरण के दर्शन करने चलेंगे क्योंकि ये अपशकुन पे अपशकुन बराबर हो रहे हैं तो राजा ने कहा मंत्रियों जिस जिन भक्ति से जिनेंद्र भक्ति के बारे में अभी अभी हम उनिराज से सुनकर के आए हैं कि जिस जिनेंद्र भक्ति से संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं तो ये छोटी मोटी विघ्न बाधाएं क्यों नहीं दूर हो जाएंगी मैं वापस जाने वाला नहीं और एकदम उनके हृदय में भक्ति का प्रवाह उमड़ पड़ता है वो कहते हैं जबलो वासुपूज्य भगवान की जय वासुपूज्य भगवान की जय और एकदम जैसे भगवान वासुपूज्य की जय बोली देवों की शक्ति कुंठित हो गई और सब एकदम निर्मल आकाश हो गया सारा कीचड़ समाप्त हो गया क्योंकि वो तो देवोपुनित था वो देवी शक्ति से उन्होंने ये सब उपसर्ग किए थे तो एकदम रथ चल पड़ा और भगवान वासुपूज्य के समोसरण में जाकर के राजा ने भगवान की खूब भक्ति की और तब देवताओं के यहाँ भी चर्चा चल गई कि उन, दे, उन देवों ने भी प्रकट होकर के राजा के सम्यक दर्शन की खूब प्रशंसा की उनके चरणों में नतमस्तक हो गए कि हम तो आपकी परीक्षा करने आए थे और आप उस परीक्षा में पूर्णतया उत्तीर्ण निकले अर्थात दृढ़ सम्यक दर्शन की परीक्षा ली गई और परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए ऐसा सम्यक दर्शन जो आठ अंगों से समन्वित था और कोई देवता भी उनको हिला नहीं पाया ऐसा सम्यक दर्शन आज भी हो सकता है क्योंकि हम सच्चे देवशास्त्र गुरु आज भी इस धरती पर विद्यमान हैं हम उनकी खूब भक्ति करें और कभी भी संतवाद पंथवाद में ना आकर के बस पिछी कमंडल देख करके और सच्चे गुरुओं की हमेशा उपासना करना यही सम्यक दर्शन है इसी को हमें आचार्य समन्त भद्र स्वामी ने बताया है ऐसा सम्यक दर्शन अगर आज इस पंचम काल में हम और आप पालन कर रहे हैं तो समझो हम मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं क्योंकि मोक्ष नहीं है भले ही पर मोक्ष का मार्ग तो है और उस मार्ग पर चल करके आगे आने वाले समय में हम निश्चित रूप से शीघ्रता से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं आगे की गाथा में हम चलते हैं कि जो आप आगम कहा आप का मतलब सच्चे देव सच्चे देव का लक्षण क्या है आपते छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेषिणा भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत् जो दोष रहित हैं बीत राग सबके ज्ञाता सर्वज्ञ कहें जो हित तो उपदेष्टा होने से आगम के ईश्वर मान रहे इन तीन गुणों से संयुक्त जो वे निश्चित आप्त कहते हैं जो इन गुण से विरहित होते वे आप्त नहीं बन पाते हैं। कितने सुंदर अर्थ को गर्भित कर स्वामी ने हम सबको सच्चे भगवान का सच्चे देव का सच्चे आप्त का लक्षण बताया आपते नो छिन्न दोषेण क्या कहते हैं समन्द भद्र स्वामी की नियोगेन याप्त्यता भवेत कहते हैं कि नियम से जो उत्सन्न दोषेण जो दोषों से रहित होते हैं यानी गुणों से सहित होते हैं और दोषों से रहित होते हैं सर्वज्ञ न ऐसे सर्वज्ञ भगवान जो दोषों से रहित हैं ऐसे सर्वज्ञ भगवान आग में शिना ये सब उनके सर्वज्ञ भगवान के विशेषण हैं तृतीय विभक्ति लीजिएगा कि उत्सन्न दोषेण सर्वज्ञेण आगमेशिना और भवितव्यम क्या होना चाहिए कि जो दोषों से रहित हो सर्वज्ञ हो सर्वम इति सर्वज्ञ जो सब कुछ जानते हैं तीनों लोकों को अलोक को एक एक बात को एक एक पर्याय को एक एक क्षण की पर्यायों को जानते हैं वही सर्वज्ञ कहलाते हैं और आगम के जो ईशिता इश, आगम की ईशिता माने ईश्वरता आगम का के स्वामी हैं यानी संपूर्ण आगम को जानने वाले हैं जो कोई आगम कोई शब्द कोई वाणी किसी प्रकार का कुछ भी शेष नहीं रहता कि सर्वज्ञ के, के ज्ञान से कुछ छिप जाए कोई छिप करके भी कितना पाप कर ले हम तुम नहीं जान पाएंगे लेकिन सर्वज्ञ भगवान सबको जान रहे हैं इसलिए कभी कभी कहा जाता है ना अरे हमारी ना मानो हम कुछ नहीं जानते भगवान को तो देखो भगवान आपका सब कुछ देख रहे हैं लेकिन पाप और पुण्य करने वाले इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते कौन सोचता है कि भगवान क्या देख रहे हैं हमें क्या मालूम पर भगवान की परिभाषा बताई जो सब कुछ जानते हैं सब कुछ देखते हैं सर्वज्ञ हैं आगम के स्वामी हैं तो ऐसे को ही आप्त होना चाहिए भवितव्यम ऐसे कोई आप्त होना चाहिए माने कि इसके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं हो सकता अन्यथा आप न भवेत, और इनसे अतिरिक्त जो है यानी जिनके अंदर सर्वज्ञता नहीं है जिनके अंदर आगमेशिता नहीं है और जिनके अंदर दोष हैं यानी जो दोषों से रहित नहीं है वे कभी भी आप माने सच्चे ईश्वर सच्चे भगवान सच्चे देव नहीं हो सकते देखो जैन धर्म क्या है ना किसी की बुराई करता और ना किसी का सपोर्ट करता है वो वास्तविकता को बताता है कि अगर दूध में घी है तो है आपको नहीं दिखता है तो आप ना मानो भले ही लेकिन अगर घी निकलेगा तो किसमें से निकलेगा दूध से ही निकलेगा इसलिए हर व्यक्ति को ये मानना पड़ता है कि दूध में शक्ति रूप से घी विद्यमान है इसी प्रकार से आत्मा के अंदर प्रत्येक आत्मा के अंदर जो परमात्मा छिपा है वह किसी ने प्राप्त किया जब किसी ने प्राप्त किया तो वह उदाहरण बन गया कि जब उन महावीर भगवान ने प्राप्त कर लिया ऋषभ देव भगवान ने प्राप्त कर लिया अनंत अनंत केवलियों ने प्राप्त कर लिया तो इसका मतलब आत्मा में परमात्मा तो है तो हम भी प्राप्त कर सकते हैं इसलिए उसका पुरुषार्थ किया जाता है इनसे विपरीत जो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और चारित्र से समन्वित हैं जो सर्वज्ञ नहीं हैं जो दोषों से रहित नहीं हैं दोषों से सहित हैं आगम के स्वामी नहीं हैं आगम को नहीं जानते हैं पूर्वापर विरुद्धवाणी को नहीं जानते वे कभी भी आप्त नहीं हो सकते सच्चे ईश्वर नहीं हो सकते आज अपने को ईश्वर बताने वाले हजारों लोग हैं समझे लेकिन जो असली ईश्वर है वो अपने को कभी भी ईश्वर नहीं कहता वह तो यस्य मोक्षे भी नाकांक्षा सा मोक्ष मदिगछति यानी ऐसी अवस्था कि जब वो मोक्ष की भी इच्छा को समाप्त कर देते हैं तब जा कर के उनको मोक्ष प्राप्त होता है और जब मोक्ष में चले जाते हैं तो कहने जैसी कोई स्थिति ही नहीं रह जाती आप समझ गए ना कि जो ईश्वर है जो भगवान है वो कभी अपने को भगवान कहता नहीं और जो अपने को भगवान कहता है वो सच्चे मायने में भगवान ही नहीं है इस बात को जान करके हमें अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखना है और आगे इस सरल वाणी को जो समत भद्र स्वामी के द्वारा रत्नकरण श्रावकाचार के माध्यम से आपको बताया जा रहा है पूज्य गणि ज्ञानमती माता जी ने जिसका हिंदी में सरल सरस अनुवाद कर दिया मैं तो एक छोटा सा माध्यम बन गई मुझे अच्छा लगा कि छत्तीस श्रावकाचारों में हमारे समन्त भद्र स्वामी के द्वारा रचित जो रत्नकरण श्रावकाचार है उसका स्वाध्याय आज के युग में जब भौतिक चकाचौंध के में पढ़ करके के व्यक्ति न जाने कितने ईश्वर को मानने लगता है न जाने क्या क्या अपनी धारणाएं बना लेता है ऐसे युग में ऐसे समय में हमें ये सच्ची वाणी जानना आवश्यक है इसलिए अब आज छः पाँच श्लोकों तक आपके लिए रत्नकरण शावकाचार में सच्चे देव का लक्षण हुआ है और भी आगे हम चलेंगे कि जो इनमें दोष नहीं हैं उन दोषों के नाम क्या हैं आग आप आगे क्लास में सम्मिलित होकर के और एक दूसरे को इनसे परिचित कराते रहें ताकि हम दोषों से रहित और गुणों से समन्वित हम भी हो सकें और जो गुणों से समन्वित दोषों से रहित सर्वज्ञ भगवान हुए हैं उन पर सच्ची श्रद्धा रख करके खूब जिनेन्द्र भक्ति करके अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ कर सकें चलो महावीर भगवान की जय